This movie is encoded by Dr. Star. काफी भारी है ये कैप्टन। ओह माय गॉडनेस। किसी राजा का संदूक है, सोने के सिक्कों से भरा होएगा। ये क्या मजाक है? ये तो जादुई गोला है। डाढ़ियाल, तुम्हारा स्क्रू ढीला हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो शायद अलादीन का चिराग। इसके अंदर कुछ है। क्या हुआ? काला जादू है, प्रेत आत्मा है इस कंबख्त के अंदर। कोई जिन भी तो हो सकता है, शायद आपकी कोई ख्वाहिश पूरी कर दे। किसी दूसरी दुनिया की चीज है वो। देखो जादुई गोला। बचाओ! मैं उसे मार दूंगा, छोड़ेंगे नहीं इसे। भागने ना पाए ना भरता बना दूंगा। बचाओ! तू तो चैंप है। अब क्या? क्या हाल है जुड़वा? लगता है छोटू पकड़ा गया है।
लगेगा। क्या पीटर ने कुछ कहा? नहीं, वो चुप है। ये तो पीपा का धुन है। लेकिन यहाँ पी है ना पा, क्या कहते हो? देखो कितने सारे पीपे। माफ कीजिए सर, ये आपका तो नहीं। क्या? नामुमकिन, बकल ढीला पड़ गया होगा। और आपने ये गिरा दिया। मेरी सिटी, तुम्हें कहाँ? गिर गए थी आपकी चाबियों के साथ। मेरी चाबियाँ? उसकी तलवार पे नजर मत रखो स्टीवन, उसकी आंखों में देखो। याद रखो असली इरादा आंखों में झलकता है। छोटी चीजें अक्सर कमाल कर जाती है। जिमी को यह पसंद आएगा। तुम लोगों के लिए एक मजेदार काम आया। मजेदार मतलब? कुबेर प्राचीन भंडार। हम तैयार नहीं हैं। तुम तैयार हो। लेकिन कितनी कड़ी सुरक्षा है वहाँ। देखो हमसे ये नहीं होगा। सॉरी जिमी, ये काफी मुश्किल है। ये जबरदस्त आइडिया है। कुबेर के दो दरवाजे हैं, एक आगे और दूसरा पीछे गली की तरफ। एक गार्ड जरूर है और खिड़कियाँ भी बंद रहती हैं। लेकिन अगर आप छोटे और शातिर हो तो रास्ता भी बन जाता है। और अगर पकड़े गए तो हम अनाथ आश्रम नहीं सलाखों के पीछे होंगे। मुझे नहीं पढ़ना इन सब में। एक काली लंबी सुरंग और सुरंग में बोरी जिसमें एक लड़का तड़प रहा था और वो तुम ही थे ना। जिमी ने बचाया तुम में से हर किसी को। तुम सभी को उसने ही बचाया है। उसने हमें छत दी, हमें एक नई जिंदगी दी। क्या जिमी के लिए हमारा कोई फर्ज नहीं? कुबेर प्राचीन भंडार, जो भी मेरे साथ है वो हाथ ऊपर करे। कुछ बात करनी है पीटर। घुंगरू ठीक कह रहा है, ये खतरनाक काम है। पर फायदा भी है। तुम्हें कैसे पता? वरना आप खतरा नहीं उठाते। तुम में समझदारी है लेकिन अब भी काफी कुछ सीखना बाकी है। आप डाका डालना चाहते हैं? बेशक डालना चाहता हूँ पीटर। हो सकता है कि ये मुझे मेरी मंजिल दिला दे, लेकिन मेरा मन बदल चुका है। ये काम मैं अकेले करूंगा। मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं तुम्हें जेल जाते नहीं देखना चाहता। नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। नहीं, ये काम मेरा है। हा? सब कुछ समझ जाओगे जब तुम बड़े हो जाओगे।
मूंगफली तुम्हारे अकाउंटिंग के बारे में क्या ख्याल है? क्या हिसाब किताब? एक चाचा थी मेरे गांव में, सिर्फ प्लस माइनस करके बहुत माल कमाया। पकाओ है यार फरहान, जिंदगी अच्छी थी उनकी, दर्जी की बेटी से शादी की, ब्रिंदा चाची एकदम पटाखा। तुम कहना क्या चाहते हो फरहान? भविष्य, आने वाला कल, पता नहीं क्या होगा। तुम कल के बारे में नहीं सोचते? मैं जिमी के साथ ही रहूंगा। उसके साथ रह के तुम उसके जैसा ना बन जाओ। बंदी गया तो क्या, बहुत खतरा है। खतरा नहीं कारनामा, तुम्हें सारी जिंदगी गंदी नाली में सड़ना है सड़ो, पर मुझे अमीर बनना है। जिमी बहुत आगे जाने वाला है, एक दिन हम पार्टनर्स होंगे और वो दिन जल्दी आएगा, लेकिन कब कोई नहीं जानता। चलो बहुत काम करना है। कौन सा काम? कुबेर को इतनी जल्दी भूल गए? आज रात ओ जिमी ने तो कुछ नहीं बताया आज रात के बारे में। जिमी का जाना जरूरी नहीं, ये उनके लिए तोहफा है। ये एक आम डकैती की तरह लगनी चाहिए, बाकी जो चाहो ले जाओ। बेशक। और अगर किस्मत से वो चीज तुम्हें मिल गई तो याद रखना वो चीज बहुत नाजुक है। और मेरी उन शर्तों का क्या? पैसे की दिक्कत नहीं है, असली मुश्किल वो दूसरा काम है। उसे लेकर समझौता मुमकिन नहीं। मेरे क्लाइंट की पहुंच तो बहुत है मगर। लेकिन क्या? लेकिन लंदन की हाई सोसाइटी में तुम्हारे लिए फिर से जगह बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ग्रैंडविल क्लब तुम्हें वापस नहीं ले रहा, नए व्यापारियों को तगड़ी सिफारिश चाहिए, जबकि तुम्हारा दबदबा अब उतना नहीं रहा। फ्लड से बेहतर सिफारिश कौन कर सकता है? कोशिश तो वो पूरी कर रहे हैं। कोई गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें नहीं जानता। मंजूर? मंजूर। साहब भागो यहाँ से, पिटाई करूंगा तुम्हारी, भिखारी कहीं के। भूख लगी है पैसे दो, भूख लगी है पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। अब ये कहां से टपक पड़ा? अच्छा बेटा आजा, पकड़ लिया। देखा कितना आसान था। क्या जगह है, ये क्या बदतमीजी है पीटर? यही तो आपको चाहिए था। मैं ये नहीं चाहता था पीटर, मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं ये काम अकेले करना चाहता हूँ।
क्या फर्क पड़ता है, हम घुस तो गए। तुमने हमसे झूठ कहा पीटर, क्या सच मानते? तुमने हमारा इस्तेमाल किया। मैं जिमी को दिखाना चाहता था कि हम कितने काबिल हैं, वो हमें बच्चा समझता है। पर मैं तो बच्चा ही हूँ। चुपचाप बैग्स भरो और दरवाजे की ओर खड़े हो जाओ। घोघरू पीछे की तरफ नजर रखो, डट्टू आगे की ओर। मुझे माफ कर दो जिमी, मैं अपने आप को साबित करना चाहता था। अगर बड़े होकर तुम्हें मेरा पार्टनर बनना है तो मेरी पीठ पीछे कभी कुछ मत करना। बड़े होकर मैं इसी वक्त तैयार हूँ। यहाँ घुसकर तुमने बड़ों वाली हरकत तो नहीं की है? कुछ खास ढूंढ रहे हैं? उसे तोड़ने के लिए कुछ ढूंढता हूं। ये क्या? सब तुम्हारी गलती है पीटर, काश तुमने जिमी की बात सुन ली होती तो सब तुम्हारे साथ होते। इसकी तलाश थी ना, आप इसे ही ढूंढ रहे थे ना जिमी, आप काम किसके लिए कर रहे थे? जिमी कहाँ है? बाहर गए हैं। वापस कब आएगा? क्या काम है उनसे, क्या चाहिए तुम्हें उनसे? ओए वापस आओ। Oh.
जैफर का पीछा क्यों कर रहे थे तुम? कहीं तुम्हें जिमी ने तो नहीं भेजा? आपको जिमी से क्या काम है? तुम्हें बताना जरूरी नहीं। कहाँ है जिमी? चला गया। चला गया मतलब? वो धमाका कुबेर में। मतलब उसे वो जादुई गोला मिल गया। आप उस चीज के बारे में जानते हैं? इसका मतलब वो कुबेर में ही था। जिमी आपके लिए काम कर रहे थे। कहाँ है वो गोला बताओ मुझे। खत्म कर दिया उसने मेरे दोस्तों को। जाने दो इसे जैफर। वो खत्म नहीं हुए। तो कहाँ गए वो? एक बहुत खूबसूरत दुनिया में जो हर कल्पना से परे है। अगर तुम मुझे बता दो कि गोला कहाँ है तो मैं उन्हें फिर से ला सकता हूँ। कैसे? एक दरवाजा है, दरवाजे जैसा कुछ, हल्के से धक्के से भी खुल जाता है। लेकिन अब वक्त भाग रहा है जैफर। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि वो कुबेर में है तो मैं किसी और बेहतर आदमी को काम पर रखता। पकड़ो उसे। जल्दी करो जैफर। एक दरवाजा दूसरी दुनिया का, हल्का सा धक्का, वाओ, ये कितनी सुंदर जगह है। आप यहीं पे होंगे जिमी, मैं सही हूं ना? दरवाजा खोलो पीटर, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरी मदद? आप जैसे हमारी मदद कब से करने लग गए? वो मेरी वजह से फंस गए, मैं उन्हें बचाऊंगा। हेलो, मैं कहाँ हूँ? सब वो रहे। सिर्फ धुआं ही है, आग नहीं है। मुझे दो। नहीं, हम सब नरक में आ गए। बहुत जल्द यहाँ पे राक्षस आएंगे और हम सब की पापों की सजा चुन चुन कर देंगे। हमें तेल में तलेंगे, हम जलेंगे, चिल्लाते रहेंगे, लेकिन हमारी आवाज कोई कोई नहीं सुनेगा। जिमी, फरहान, कुछ सुना? तरफ आ रहा है। देखता हूं। छिप जाओ जल्दी। व्हाट्सएप चिकने हमारे खातिर क्या लाए?
छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, पांच हाथ लगे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो। जिमी, टीटू, समुद्री डाकू, तू कहां से अटपका? तुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है यार। लेकिन हम है कहां? पता नहीं, बस इतना मालूम है कि हम लंदन में नहीं है। ये सब उस गोल चीज के लिए हो रहा है ना? सॉरी फरहान, सब मेरी गलती है। हमें कुबेर में घुसना ही नहीं चाहिए था। अगर घुंघरू यहां होता तो तुझे उल्टा लटका देता। जानता हूं, मैं उन्हें उस जहाज से छुड़ा कर ले आऊंगा। जहाज? डाकुओं का जहाज। इतना भयानक सपना मैंने कभी नहीं देखा। अजी मगरमच्छ, डरावने जंगल, अब डाकू, और क्या बचा है? उड़ने वाले कीड़े। वो क्या है? नहीं, अब क्या? भागो, भागो! भारतवासी, किस सदी से आए हो? 1906 से आया हूँ। मतलब अगले अक्टूबर में पूरे 163 साल का हो जाऊंगा। तुम्हारा मतलब 263 है? हाँ, अब रिटायरमेंट के बारे में सोच लेना चाहिए। मंगल ग्रह पर एक बंगला बनाऊंगा निहारा। कोई 200 साल तक जिंदा कैसे रह सकता है? मछली का तेल, कच्ची सब्जियां और जहाज के चक्कर लगाना, यही है मेरी जवानी का राज। वैसे तुम क्या राज छुपाए खड़े हो जान? अभी जिंदा है? टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक,
और क्या क्या लाए हो मेरी जान? शायद काजू किशमिश होंगे। काजू किशमिश जो है यही है। बकवास। हाय, माशुका की तस्वीर साथ लिए घूमता है। ये जगह कौन सी है? तुम नहीं जानते? ये स्वर्ग है या नर्क? सब नजरिए का खेल है यहाँ। देखो भयानक राक्षस। इन छचुंद्रों का क्या करें? ये गोरे गोरे बच्चे मुझे दे दो। तुम क्या करोगे? कितने नाजुक दिखते हैं, खाने में बड़े लजीज होंगे। मेरे लड़के मेरे साथ रहेंगे। ये चिकना कुछ ज्यादा ही शाना बन रहा है। और ये बदसूरत भी तो नहीं है। हाँ? इसे मैं रख लूंगी मेरे कैबिन में। अच्छा, तब तो हम थोड़ा आराम कर लेगा। तुम्हें छेड़ रही हूँ सनी बनी। सिर्फ छेड़छाड़। डाल दो इन्हें मगरमच्छों को। दरियल, ये लड़के तुम रख सकते हो। शुक्रिया मैडम जी, आप उंगलियां चाटती रह जाएंगी। मैंने तो अदरक धनिया भी बचा कर रखा है। चलो मेरे साथ, तुम ये सब नहीं देख पाओगे। आ जाओ। नहीं, जी नहीं, छोड़ दो हमें, छोड़ दो। कहा था ना, मेरे लड़के मेरे साथ रहेंगे। मुझे तमाशा पसंद है। तुमने पूछा मुझमें क्या खास है, तुम्हें तलवार ठीक ठाक चला ले तो। कौन हो तुम? दोस्त मुझे बुलाते हैं जिमी। जिमी? लेकिन नाम है हुक, जेम्स हुक। पट्टियों के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन यहां आने का रास्ता गुप्त है। आप हमारे साथ क्या करने वाले हैं? भोजन। आप हमें खा जाएंगे? अच्छा तुम लज्जतदार हो, चलो तुम्हें भूख लगी होगी। ये कैसा मांस है? उसका। हम अमेरिका में हैं? अब नहीं। आप भारत के लगते हैं। हम काग हैं, भीमकाय पशु के नुमाइंदे। अब हम इस दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं। आप लंदन का रास्ता जानते हैं? सरदार। ओए कितना हो सारे, आओ पियो करो आनंद। ये लड़के कौन हैं? नए मेहमान हैं क्या शाका? बेचारे बहुत भूखे हैं। भूखे हैं? कोई बात नहीं, अच्छे से खाना खिलाओ इन्हें। उनसे पीछा छुड़ाने के बाद भूख लगनी भी चाहिए।
हाँ भाई बचियो, साढ़े कबीले च शामिल होगे? ये पूछ रहे हैं कि क्या तुम हमारे कबीले में शामिल होना चाहोगे? शुक्रिया, लेकिन खाना खाने के बाद हमें जाना होगा। ये जाना चाहते हैं? सानू जंगली कहंदा है। हमने तुम्हें एक बार बचा लिया, दोबारा शायद ना बचा पाए। हम आपके आभारी हैं, लेकिन हमें हमारे दोस्तों को बचाना है डाकुओं से। ये फिर भी जाना चाहते हैं? आज मैं अपने मेहमाना नाल खावांगा। हम हैं कहाँ? इसे कहते हैं स्थान नकार, नेवरलैंड। क्यों? क्योंकि ये स्थान उम्र को नकारता है। यकीन नहीं करोगे, लेकिन मेरी उम्र 130 साल है। इनु का ये बेटा 81 वर्ष का है। उतर। ये सरदार की बेटी है, इसका नाम आया केयांग है, तुम्हारी भाषा में जंगलों की लीली। इसका नाम ऐसा है क्योंकि वो जंगलों जैसी स्वाधीन और सुंदर है। ऐदे सुपने मत देखी, क्योंकि ये 100 साल दी है। इसके सपनों में खो मत जाना, क्योंकि ये लगभग 100 साल की है। इन्नी उम्र बाद भी इन्हां नूं नशा हो ही जांदा है। तुम्हारी वजह से मुझे थोड़ी तकलीफ हो गई है। मेरे 3 सबसे काबिल आदमी मारे गए हैं, उनमें से एक मेरा अंगरक्षक था। मैं खुद की रक्षा कर रहा था। उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, उनकी जगह मुझे यहाँ कोई नहीं मिलेगा। नहीं, ये लंदन नहीं है हुक। तुमने यहाँ कुछ अजीब नहीं देखा? मैं कुछ समझा नहीं। नक्षत्र, मृग, शायद तुम ध्रुव तारा ढूंढ सको। मुझे तारे गिनने का शौक नहीं है। अगर होता तो पता चल गया होता कि यहाँ ध्रुव तारा ही नहीं है और मृग नक्षत्र वहां है, गलत जगह में। यह कैसे हो सकता है? क्योंकि पृथ्वी किसी और दुनिया में है, बहुत बहुत दूर। लौटने का कोई रास्ता नहीं। तुम्हें यकीन है? मैंने पता करने में 200 साल लगाए हैं जाने मन। पहले तुम्हें खिला पिलाकर मोटा ताजा करूंगा। ब्रेड जैम मिलेगा? मेरे पास क्रीम केक्स, कैंडी, चॉकलेट्स और खजूर हैं, लेकिन अफसोस ब्रेड जैम नहीं है राजकुमार। हम फंस गए हैं, लेकिन रोशनी की किरण अब भी है इस ग्रह के पास, तो कुछ खास है। इस चीज को यहाँ के जीव जंतुओं ने बनाया है, जिन्हें भारतवासी ट्री स्पिरिट्स कहते हैं। ये उन स्पिरिट्स को उड़ने की शक्ति देता है। भारतवासी? तुम्हें क्या लगता है हमारी दुनिया से हम अकेले हैं यहाँ? पिछले साल मैंने एक आदमी को कैद किया था, वो ये पदार्थ ले जा रहा था। उसी ने इसकी शक्तियों के बारे में बताया। ये तुम्हें नई जिंदगी भर देगा, नया जोश। अंदर से इतना हल्का महसूस करोगे जैसा जैसे कोई दैवी शक्ति, भगवान की तरह। और तुम सचमुच उड़ने लगोगे। ना जवाब। जैसा कि तुमने देखा, यह स्थिर नहीं है, क्योंकि मुझे इसका इस्तेमाल करना नहीं आता अब तक। और फिर ये एक शीशी काफी नहीं है, हमें बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होगी। लेकिन दिक्कत यह है कि हम ट्री स्पिरिट्स तक नहीं पहुंच सकते। एक तरफ काक पहाड़ी सुरक्षा करती है,
और दूसरी तरफ से दरिंदे। मेरा साथ दो हुक, मैं नए खून के लिए बेसब्र हूं और तुम्हारे पास नए जमाने की जानकारी है। दरिंदों को हराने में मेरी मदद करो और हम नेवरलैंड पर राज करेंगे भगवान की तरह, और ये पूरा जहन्नुम हमारी जन्नत जन्नत बन जाएगा। भगवान। हाँ भगवान। ऊपर क्या कर रहे हो सनी? आज रात कैप्टन की सेवा नहीं करोगे? परेशान मत करो। बेचारा। नीचे जाने का कोई रास्ता तो होगा। तुम्हारे लिए नई कुटिया बना देंगे। शुक्रिया। आप लोग यहाँ ऊपर क्यों रहते हैं? ताकि वनस्पति प्रेतों के पास रह सके। ये उनका शहर है, हम उनकी डाकुओं से रक्षा करते हैं। यहाँ से समंदर की तरफ जाने का रास्ता कहाँ है? वही रास्ता जिससे तुम्हें यहाँ लाया गया, उस गुप्त रास्ते के जरिए जो पहाड़ों से गुजरता है। मुझे दिखाओगी? अगर तुमने अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश की तो वो डाकू तुम्हें तब तक परेशान करेंगे जब तक तुम उन्हें ये रास्ता बताना दो। मैं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता। वो मुसीबतें मेरी वजह से हैं और उन्हें घर ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है। घर जाने का कोई रास्ता नहीं। क्या? नहीं, रास्ता तो जरूर है, होना ही चाहिए। फरहान, एक प्लान है। फरहान, एक प्लान है। कैसा प्लान? यहाँ से निकल के जहाज पर पहुँचने का। यहाँ आओ, वो देख रहे हो, मछली का जाल। तो यहाँ कोई तालाब या समंदर देखा है? नहीं। वही तो, मैं समझा नहीं। पहाड़ों से गुजरते उस गुप्त रास्ते को ढूंढने का यही तरीका है। चलो।
माय गॉड, कितना बड़ा जहाज है। चढ़ जाओ, जल्दी चढ़ जाओ ऊपर। जिमी नजर आ रहा है? नहीं, हम उनको छुड़ाएंगे कैसे? डाकुओं ने हर तरफ से घेर रखा है। हाँ, सोए हुए डाकू, टुन, शराब पीकर। तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकता। प्लीज घुंगरू, ये हमारी मदद कर रहा है। नहीं चाहिए इस गधे की मदद। हाँ, इस गधे के वजह से ही हम सब यहाँ फंस गए हैं। अब यही गधा छुड़ाने आया है। तुम्हें सड़ना है, सड़ो। अगर जीना चाहते हो तो साथ चलो। क्या तुम्हें कभी मैंने अपनी कछुए सूप की रेसिपी बताई है? डाढ़िया, सोने दे अपन को। कुछ तो भी गड़बड़ घोटाला है। क्या हम सूंघने जाता है? मैं ऐसी बेवकूफी कभी नहीं करता, बोनी के कैबिन में तो बिल्कुल नहीं। शुक्रिया। जिमी कहाँ है? उस कप्तान के कमरे में। पक्का? वो उन्हें लाइन मार रही थी। थी? कहाँ जा रहे हो? जिमी को लाने। लेकिन हमारा क्या? हमें अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। मैं जिमी के बिना कहीं नहीं जाऊंगा। कपड़े पहन लो, हमारी नाव इंतजार कर रही है। बंदूक नीचे करो पीटर, बोनी मेरी दोस्त है। बोनी? और कितने पिल्ले पाल रखे हो? मैं बात कर रहा हूँ ना, मुझे पता नहीं था कि ये यहाँ है। बंदूक दे दो पीटर। रुको सनी। पीटर बंदूक नीचे करो। पहले इसे कहो कि गन नीचे करे। पीटर, कैप्टन बोनी और उसके लोग हमारी तरफ है। उन्होंने वादा किया है कि सभी लड़कों का ध्यान अच्छे से रखा जाएगा। भारतवासियों ने कहा है खतरनाक है। भारतवासी? ये दरिंदों के साथ है। बात मानो, ये खतरनाक नहीं, ये हमारी तरफ है। यहाँ खतरा भरा पड़ा है, इनके साथ रहेंगे तो हम जिंदा रहेंगे। आपको यहाँ रहना है इसके साथ? हमारे पास और कोई जगह जब तक रास्ता नहीं मिलता हम भारतवासियों के साथ रहेंगे। वो तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। नहीं, वो अच्छे लोग हैं। तुम्हें कैसे पता? वो दयालु हैं। मेरी बात सुनो पीटर, मैं यहीं रहने वाला हूँ। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो बंदूक दे दो। मुझे इन पर भरोसा नहीं जिमी। लेकिन मुझ पर तो है ना। बंदूक दे दो पीटर। छचुंदर, इसे अकेला छोड़ दो। हुक, छोड़ दो। बहुत ज्यादा शाना बनता है। तुम्हारा लड़का लोग भाग गया डाडिया, मुझे ये पिल्ला मिला। लेकिन ये मेरा लड़का नहीं है। वो किससे पीठ पीछे जासूसी करा रहा था। बता क्या किया तूने मेरे लड़कों के साथ? छोड़ो उसे, बच्चा है।
इसे पता नहीं कि ये क्या कर रहा है। मैं चमड़ी उधेड़ दूंगा अगर इसने मेरे लड़कों के बारे में नहीं बताया तो। बाकी लड़के कहाँ हैं पीटर? हमें एकजुट रहना होगा, समझे? यहाँ नहीं, इन पागलों के साथ बिल्कुल भी नहीं। अब तुम मेरे साथ हो, चलो अंदर चलो, पेट पूजा कर लो और इस बेवकूफी को भूल जाओ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ। ਹਮਨੇ ਤੁਮ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਆ, ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਰਹਿਣੇ ਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਮਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਆ। ਸਾਡੀ ਦੋ ਨਾਵਾਂ ਖੋਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛੇ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਨਾਵ ਚੁਰਾਈ ਔਰ ਹਮਸੇ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਪਤ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤੇ ਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। तुम्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे दोस्त के साथ जो हुआ, इसलिए इस बार मैं नरमी दिखा रहा हूँ। मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा। मुझे तो स्पेनियों के इलाके में आतंक मचाकर काफी वक्त हो चुका है। नए हथियार होंगे, उड़ने वाले यंत्र। ये भारतवासी कहां रहते हैं? तुम्हें अपने लड़के मुझसे ज्यादा प्यारे हैं? वो यहाँ मेरी वजह से, और उन्हें बहुत उम्मीदें हैं मुझसे। जब ढूंढ लोगे तब क्या करोगे उनका? तेज लड़के हैं, सड़कों पर पले हैं, जेब कतरे हैं, काम आ सकते हैं हमारे। उस धातु को ढूंढने में हमारी मदद कर सकते हैं। हम मुझे तुम जैसी औरत कभी नहीं मिली। और इसका क्या, इसे भूल गए क्या? काफी साल हो गए उसे गुजरे हुए, लेकिन अब भी उसकी तस्वीर लिए घूमते हो। एक वक्त था जब मुझ पर उसका सुरूर था। अब मेरे पास तुम हो। तुम्हें जो चाहिए तुम्हें मिलेगा हुक, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। मैं और तुम हम कभी नहीं होंगे, समझे? तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूं क्योंकि मुझे जानकारी चाहिए।
पूरे 200 साल की जानकारी। तुमने झूठ बोला हमसे, हमें कुबेर जाना ही नहीं चाहिए था। और अब यहाँ फंस गए, पता नहीं क्या जगह है ये। सब इसके वजह से हो रहा है। इसके वजह से फरहान भी मर गया। नाव में हम सब थे और हम भाग सकते थे ना, लेकिन ये जीमी के लिए वापस चला गया। बार बार वही बात करने का क्या मतलब है? घुंघरू ने सही कहा, फरहान मेरी वजह से मरा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऊपर की तरफ, नीचे नहीं। आपको आती है धुन? चलो। ये कहां देखा आपने? यहां सपने में। वही सपना हर रात, तुम्हें भी यही सपना आता है ना? हाँ। ये वनस्पति प्रेतों के पंखों की आवाज है। उनके पास जादुई गोला है ना, पर इसमें गड़बड़ है। मेरे सपने में अलग पहाड़ियां हैं। उनका चित्र बनाओ। वो कुछ कुछ नहीं। क्या मैं कोशिश करूं? कुछ ऐसा? तुमने भी यही सपना देखा? नहीं, लेकिन मैं शिकार करती हूं। हम इसे शांत पहाड़ कहते हैं। कभी वहां गए नहीं, वो बहुत दूर है, लेकिन बाहर के टापुओं की तरफ जाते हुए वो दिखता जरूर है। यानी वो टोपी वाला आदमी नेवरलैंड में था। हम एक ही सपना कैसे देख सकते हैं? तुम नेवरलैंड पहुंचे कैसे? उस गोले पर खंजर से वार करके। मैंने भी अपने डंडे से इतने जोर से मारा कि मेरा पूरा कबीला साथ आ गया। शायद गोले की कुछ शक्तियां वार करने वाले में प्रवेश कर जाती है। आपको लगता है टोपी वाला आदमी अभी यही है? मैं उस तक कैसे पहुंचूं? मैं भी चलता हूं। नहीं टीटू, बहुत खतरा है। कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पड़ता है, मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई। हो सकता है ये सिर्फ एक सपना हो जिसका कोई भी तुक ना हो, लेकिन अगर मुझे घर जाने का रास्ता मिल गया तो मैं सबको लेकर ही लौटूंगा। मैं इनसे क्या कहूँ? सबको कहो कि मेरा इंतजार करें। वादा करता हूँ तुम सबको घर ले जाने के लिए जो बन पड़ेगा करूंगा। उस पदार्थ की धूल तुम्हें यहाँ मिलेगी, ट्री स्पिरिट नगरी में। मुश्किल ये है कि ये काग इलाका है। उत्तर से पूर्व की पहाड़ियों में घुसना नामुमकिन है और दूसरी तरफ चट्टाने हैं, कोई रास्ता नहीं। तो फिर भारतवासी कैसे आते जाते हैं? पता नहीं, हम उन्हें नदी के पार खाना पकाते देख सकते हैं, लेकिन अगर हम वहां जाने की कोशिश करें तो हम आराम से पकड़े और मारे जाएंगे। वो इस तरफ से शिकार करते हैं और ऐसे आते जाते हैं जैसे कोई पहाड़ियां ही नहीं है। कोई सुझाव?
शायद हमें उन्हें ज्यादा करीब से देखना चाहिए। सरदार की बेटी बड़े काम की चीज है, वो हमें ट्री स्पिरिट नगरी का रास्ता बताएगी। कुछ आदमियों को उन्हें उठाने के लिए भेजना होगा। नहीं, छोटी चीजें अक्सर बड़ा कमाल कर जाती हैं। पहले पता करते हैं कि उनका इरादा क्या है। वो एक बड़े पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था। यहाँ तो हजारों चोटियां होंगी, वहां चलते हैं। हमने ढूंढ डाला। निशान इस तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है, चलो। तुम्हारे परिवार को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही होगी। मेरा कोई परिवार नहीं। जब 3 साल का था तो माँ चल बसी, पापा को कभी देखा नहीं। तो ये दोस्त तुम्हें वहां मिले? नहीं, मैं इकलौता बच्चा था। मुझे घुसा मैन कहते थे। जिमी एक दिन वहां आया, मुझे घुसा खाते हुए देखा। वो बहुत अच्छा इंसान था, सबसे अच्छा। उसने नई जिंदगी दी, लेकिन डाकू ने उसका दिमाग खराब कर दिया। कुछ जाना पहचाना दिखाई दिया? मेरे सपने में ये इतना बड़ा नहीं था। आराम करने की जगह ढूंढते हैं, अंधेरा होने वाला है। चलो, शायद हमें टोपी वाले आदमी के पास ले जाए। देखा उसे? नहीं। बहुत तेज थी। मैंने इतनी चमकती प्रेत आत्मा कभी नहीं देखी। वो बहुत सुंदर है। ओ नहीं, क्या सुबह होने वाली है? अब हम उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे।
मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। हमें अंदर जाना होगा, शायद वो यही है। तुम चढ़ पाओगी? ये तो बहुत ऊंचा है। तो शुरू करते हैं। जवाब नीचे है। कोई दिखाई दे रहा है? नहीं। चलो, उतरना कभी कभी चढ़ने से ज्यादा मुश्किल होता है। के लोग कहाँ हैं? खुद हमें ढूंढ लेंगे। तुम्हें कैसे पता? जो ये अजूबा बना सकता है वो ये जान ही गया होगा कि हम पहुंच गए हैं। बिल्कुल ठीक। तुम हो टोपी वाले? कैसे हो पीटर? हमें घर ले जा सकते हो? बेशक, अब जब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पास वो गोला है? ऐसा कह सकते हो। आखिर 350 साल बाद वो वहाँ पहुँच ही गया जहाँ उसे होना चाहिए। अब धरती के सबसे खास लोगों को मैं मेरी जादुई दुनिया में ले आऊंगा। आप हमें घर कैसे ले जाएंगे? धीरज रखो बच्चे, आपने बनाया ये सब? दिखता है उतना मुश्किल नहीं है। बहुत आसान तकनीक है जो इस जंगल को वैसा उगने पर मजबूर करती है जैसा मैं चाहता हूँ। लेकिन आप हैं कौन? माफी चाहता हूँ, मेरा नाम है डॉक्टर रिचर्ड फ्लड, महारानी एलिजाबेथ द फर्स्ट का खास वैज्ञानिक। क्या? यकीन करना मुश्किल है लेकिन मैं पूरे 400 साल का हूं। चलो तुम्हें अपना सबसे बड़ा कारनामा दिखाता हूं। कुछ घंटे पहले इसको जला गया है। पता है मैं पारस पत्थर की खोज में था जिसे सारे लोग अमृत वरदान मानते थे। हाँ, मुझ जैसे और भी नमूने थे लेकिन वो कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जिससे खा पी कर इंसान मौत को मात दे दे। लेकिन मुझे पता चला कि पारस पत्थर को बनाना नामुमकिन है, उसे कैद करना पड़ता है। ये एक तरह की ऊर्जा है जो ब्रह्मांड के बीचों बीच पाई जाती है, जहां उसके चारों कोनों का मिलाप होता है। यही है ब्रह्मांड का आकार। और यहां बीचों बीच है एक छोटा सा ग्रह, नेवरलैंड। क्योंकि ये ब्रह्मांड के हर कोने से बहुत ज्यादा दूर है, उसका मध्य बिंदु है, इसलिए यहाँ वक्त ठहर जाता है।
तो हम बाहर कैसे निकलेंगे? जब मैं पहली बार यहाँ आया तो मैं फंस गया था, क्योंकि मैंने जो गोला बनाया था वो लंदन में रह गया था। लेकिन जैसा कि तुम जानते हो, जितनी जोर से उस गोले पर वार करो उतना ही। इसलिए मेरी प्रयोगशाला की सारी वस्तुएं भी मेरे साथ यहाँ आ गईं, और फिर मैंने बना दिया इसका जुड़वा। मैंने दो उल्काओं की शक्तियों से इसे नेवरलैंड में जगा दिया। ये बिल्कुल उसी तरह है। ये जब उड़ती है कितनी मधुर धुन सुनाई देती है। मैं इसे टिंकर बेल बुलाता हूं। जब इसने मुझे उल्काओं की ऊर्जा को जोतते हुए देखा, इसे लगा मैं मुसीबत में हूं, मुझे बचाने की कोशिश की। यही मेरा सपना है। जो इस गोले का इस्तेमाल करते हैं सबको यही सपना दिखता है। लेकिन ये इतनी चमकती क्यों है? क्योंकि इसमें नक्षत्रों की बहुत सारी ऊर्जा कैद है। चलो। हम इसे मैदान में ले जाएंगे जहां से मैं तुम दोनों को वापस भेज सकता हूं। नहीं, अभी नहीं, मुझे मेरे दोस्तों को ढूंढना है। लगता है कुछ और मेहमान आए हैं। तुम यहीं रुको। लाजवाब। ये सब क्या है? ये तो वाकई बहुत ही डरावनी जगह है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर इन दीवारों के पिछू राक्षस होंगे तो? नहीं, सिर्फ मैं हूं। यही मेरे सपने में आता है। फ्लड, तुम जानते हो इसे? डॉक्टर फ्लड, पीटर कहाँ है? कृपया अपने हथियार डाल दें। ये मेरा शहर है, यहाँ कोई खतरा नहीं है। इस पूरे शहर में तुम अकेले रहते हो? बहुत जल्द हमारी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोग होंगे यहाँ, कलाकार, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ। किस खुशी में? सोचो तेज दिमाग क्या हासिल करेंगे अगर उन्हें सोचने के लिए अनंत काल मिल जाए। क्या तुम हमें फिर से लंदन पहुंचा सकते हो? हाँ। क्या तुमने पीटर को वापस भेज दिया? अब तक नहीं। तो फिर कहाँ है वो? जैसा मैंने कहा, ये मेरा इलाका है। जो यहाँ आता है उसकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। अब हथियार डाल दो तो मैं तुम्हें वापस भेजने की तैयारी शुरू करूं। पर मुझे वापस नहीं जाना। नहीं? फिर कैरेबियन द्वीप में कौन जाना चाहता है? तुम्हें लगता है हम अब भी दिलों में दहशत पैदा कर सकते हैं? बताओ हुक, बताओ कि सब कैसे बदल गया है। एक हफ्ता भी नहीं टिक पाएंगे वहां, और अगर टिक भी गए तो ऐसी दुनिया में बूढ़े हो जाएंगे जो हमें समझ में ही नहीं आती। क्या तुम यही चाहते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हम यहाँ नक चढ़े अमीरजादों को भी नहीं आने देंगे जो अपने नए हथियारों के साथ इतराते हुए बताएंगे जीना कैसे है। अब बताओ ये सब कैसे होता है? कोई दरवाजा है या वैसा गोला जो मैं यहाँ ले आया? जब तुम्हें लौटना ही नहीं तो पूछती क्यों? क्योंकि डॉक्टर फ्लड, उस पर मेरा पहरा होगा। ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा।
मैं हिंसा बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपने हथियार डाल दो, बंदूक और तलवार की यहां कोई जगह नहीं है। इसी वक्त निकल जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। उड़ा दो, सबको उड़ा दो। तुम उन शक्तियों से खेल रहे हो जो तुम्हारी समझ से बाहर है। भागो, जान बचानी है तो भागो। पीटर रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पीटर यहां आओ। दरवाजे की ओर भागो। क्या हुआ? 100 साल लग गए इस शहर को बनाने में, चुटकियों में राख हो गया। आया कहाँ है? पता नहीं। जाकर गोले को बचाओ, मैं इनसे निपटता हूँ। जाओ 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 जाओ। तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मुझे पीटर की चिंता है। तुम्हें वो काम सौंप कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो कांच का गोला फ्लड, कहाँ है वो? तुम्हें बताने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। कहाँ हो तुम? आया वापिस जा रहे? तुम्हें नहीं दूंगा। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं इसके पीछे पड़ा हूं? आपकी गर्लफ्रेंड की बात सुनी, वो नहीं चाहती कि हम वापस जाएं। उसका मतलब तुमसे नहीं है पीटर। तुम्हें सलामत भेजना मेरी जिम्मेदारी। तो मुझे मेरे दोस्तों के पास जाने दीजिए। इससे भी बेहतर सुझाव है, हमारे साथ चलो। हम कौन? हम वो डाकू, क्योंकि वो उन्हें मार डालेंगे जैसे कि उन्होंने फरहान को मारा। वो गलती थी और मैंने रोकने की कोशिश भी की। आपने उसे मरने दिया, आप भी उन्हीं की तरह बन गए हैं। बात सुनो पीटर, इस दुनिया में कुछ ऐसा है जो लंदन में हमारी जिंदगी बना देगा, इतना ताकतवर बना देगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। बॉनी और उसके लोग वो चीज ढूंढने में हमारी मदद करेंगे। उसने आपका दिमाग खराब कर दिया है। चाकू मुझे दो, तो ज्यादा ही सिखा दिया तुम्हें। कसम से पीटर, ये चाकू तुम्हारे आर पार होगा अगर तुमने मुझे ये बताने का मौका नहीं दिया कि मुझे यहाँ क्या। मेरी कोई परवाह नहीं, आपको सिर्फ वो औरत चाहिए। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो पीटर। मैंने तुम्हें उस कारखाने से इसलिए नहीं निकाला क्योंकि तुम पर दया आ गई थी, बल्कि इसलिए निकाला क्योंकि मुझ पर बहुत बड़ा एहसान था, तुम्हारी माँ का। आप मेरी माँ को जानते थे? बहुत अच्छी तरह। ये मेरी माँ है।
मैंने कसम खाई थी कि तुम्हें अपने साथ रखूंगा, खुद पालूंगा। तुम्हें आज भी अकेले नहीं छोड़ सकता मैं। ये उनकी घड़ी है। तुम्हारे पापा की थी। इस फैमिली ड्रामा में दखल देने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन यहाँ से निकलना होगा। बस मुझे एक मिनट दो ले। वक्त ही तो नहीं है, ये जगह किसी भी वक्त फट जाएगी। याद था उससे भी ज्यादा खूबसूरत है ये। की बेटी कहाँ है? बता दो पीटर। इससे तो मैं अपना नाम तक ना बताऊं। आखिरी मौका देती हूँ लड़के, मुंह खोल। रुको, छोड़ दो उसे और मैं बताऊंगी जो तुम्हें चाहिए। और मुझे क्या चाहिए? यही कि वनस्पति प्रेत नगरी में कैसे प्रवेश करते हैं और जादुई पदार्थ का रहस्य। नहीं आया, भागो। और ये तुम सब इसकी जान बचाने के लिए कर रही हो? पहले तुम इसे आजाद करो। आया, भागो। पकड़ लो इसे। चलो आया, भागो। नहीं। देखो, आजाद कर दिया उसे। अब निकलो यहां से। ये क्या हो गया? This movie is encoded by Dr. Star.